सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का राइट ट्रेडिंग ग्रुप में। तो गाइस, मुझे बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि सर ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में कुछ बताओ। ऑप्शन ट्रेडिंग मैं आज आपको ऑप्शन ट्रेडिंग शेयर मार्केट इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ, कुछ बेसिक से अंडरस्टैंडिंग बताने वाला हूँ। तो आपको उससे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, देन हम ये सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, बेसिक टू एडवांस सीरीज़ को। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम स्टॉक से समझते हैं कि स्टॉक होता क्या है, कैसे काम करता है, उसके बाद हम ऑप्शन ट्रेडिंग पे चलते हैं। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट आपको मैं बेसिक से अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ, ये मेरी हेडिंग है बेसिक से अंडरस्टैंडिंग। सो मान लीजिए आपने कुछ स्टॉक खरीदा, ठीक है, मैंने एशियन पेंट्स का शेयर खरीद लिया, अगर सिंपल सा फंडा है, मैंने एशियन पेंट्स का शेयर खरीद लिया, तो मैंने मैक्सिमम 10 लाख रुपीज़ कैपिटल इस पर लगा दिया एशियन पेंट के शेयर पर। अगर ये अप जाएगा तो मुझे क्या होगा, मुझे देखने को ऑफकोर्स प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है, बट ये अगर डाउन जाएगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे देखने को मिलेगा लॉस। और मेरा लॉस के हिसाब से होगा, मेरा लॉस जो मेरा कैपिटल है, ठीक है, मेरा लॉस जो मेरा कैपिटल है उसके 10% के हिसाब से मुझे यहाँ पे एक लॉस देखने को मिलेगा। मतलब मैक्सिमम कितना लॉस मुझे देखने को मिलेगा, 1 लाख रुपीज़ का मुझे लॉस देखने को मिलेगा। ये एक सिंपल सा बेसिक से अंडरस्टैंडिंग सभी को पता है, अगर नीचे जाता है तो लॉस देखने को मिलता है और ऊपर जाता है तो प्रॉफिट देखने को मिलता है। इसी बेसिक्स पे इसी पे आती है ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप शेयर नहीं खरीदना चाहते हो तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। सो ऑप्शन ट्रेडिंग आपको मैं व्हाइट बोर्ड दूसरे बोर्ड पे ले चलता हूँ। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग सा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग। शेयर आप बताओ, शेयर मार्केट में आपको ऊपर जाने पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और नीचे जाने पर लॉस हो रहा है, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको नीचे जाने पर भी प्रॉफिट होगा और ऊपर जाने पर भी प्रॉफिट होगा। इसे बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, इसको आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो क्या करना है आपको, सिंपल से अगर आपको लग रहा है, एग्जांपल हम निफ्टी ले लेते हैं, ठीक है, ये मैंने निफ्टी लिखा हुआ है, निफ्टी 18,200 से अगर आपको लग रहा है कि 18,300 तक जाएगी, तो आप कौन सा ऑप्शन बाय करोगे, आप बाय करोगे कॉल ऑप्शन। इसका फुल फॉर्म है कॉल यूरोपियन, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉल यूरोपियन। और आपको लग रहा है निफ्टी 18,200 से 18,100 पे आएगी, मतलब डाउन साइड, तो आप कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करोगे, अब बाय करोगे पुट ऑप्शन, PE, फुल फॉर्म होता है इसका पुट यूरोपियन, सी का होता है कॉल यूरोपियन और पुट पी का होता है पुट यूरोपियन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है, आया समझ में। अब हम बात करते हैं कि क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो सर सिंपल सा है, अगर आपको लग रहा है कि आपका मार्केट ऊपर जाएगा तो आप बाय करो CE, ठीक है, CE। आपको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा तो मैं बता दूंगा कि आप कैसे बाय कर सकते हो एंड कैसे सेल कर सकते हो, मतलब बाय कर सकते हो और कैसे पुट ऑप्शन खरीद सकते हो। तो अगर आपको ऊपर जाएगा तो आप कौन सा बाय करोगे, कॉल ऑप्शन, नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन। तो ये रहा कुछ बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आपके लिए कॉल एंड डाउन के लिए पुट। ये थी ऑप्शन ट्रेडिंग, समझ में आया। बट ऑप्शन ट्रेडिंग भी आसान नहीं है, इसमें भी बहुत रिस्क है, ठीक है। तो आपको मैं एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपको कुछ थोड़ा सा नॉलेज आएगा। सो मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप कोई सी कार लेने गए, ठीक है, आप लेने गए कार, वेट अ सेकेंड, मैं एकदम रुको, मैं मेरा ये बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो मान लो आप कार लेने गए, तो आप कार कौन सी लेने गए, या फिर आईफोन, कुछ भी लेने गए। आप आज कार लेने गए, तो आपने उस डीलर से बात करी, सर मुझे इस कलर में आईफोन या फिर कार या फिर कुछ भी साइकिल कुछ भी चाहिए। तो डीलर आपको कहेगा कि सर वो तो अभी नहीं है, वो पर मैं आपको नेक्स्ट मंथ अवेलेबल करवा दूँगा। कब, नेक्स्ट मंथ। तो आप क्या कहोगे, ठीक है सर नेक्स्ट मंथ अवेलेबल हो जाएगी। बट उसी टाइम आपके पास फ़ोन आता है आपके फ्रेंड का, या आपको कोई जैसे न्यूज़ मिल जाती है, तो आपको उस न्यूज़ में क्या पता चलता है कि सर वो आपको बोलता है, आपका जो आपका फ्रेंड सामने वाला वो बोलता है कि जो आज तू गाड़ी लेने गया है या फिर कुछ भी आईफोन लेने गया, वो नेक्स्ट मंथ वो उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, उसका जो टैक्स वो बढ़ जाएगा और उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या, वो अब वो आपको सामने वाला जो डीलर वो आपको दो ऑप्शन देता है। वो ऑप्शन क्या देता है, सर एक काम करो, आप मुझे अभी मुझे डाउन पेमेंट करके जाओ। जैसे आप वो 80 लाख रुपीज़ की कार लेने गए हो, तो सर मुझे अभी 10 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट कर दो, मैं आपकी कार बुक कर दूंगा, नेक्स्ट मंथ वो कार आपको इसी जो आज का रेट है उस रेट में आपको वो कार में अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप तो बहुत खुश होगे कि हाँ सर ठीक है, आपको भी तो आपको आपको लगेगा मेरा तो प्रॉफिट है, आपने 10 लाख रुपीज़ बुक कर दिए, आपने वहाँ पे कॉन्टैक्ट साइन करवा लिया उनसे, ठीक है।
तो आप जब नेक्स्ट मंथ वो कार लेने जाते हो तो आप देखते हो कि वो जो कार है वो वजह महंगी होने के सस्ती हो गई है, ठीक है, वो मतलब महंगी नहीं हुई, सस्ती हो गई है, रेट कम हो गया बढ़ने की वजह। तो आप वो डीलर को आप डीलर को जो तुमने आपने जो कार ली 80 लाख रुपीस में, आप वो कार हो गई 50 लाख रुपीस की, तो आप पागल तो हो नहीं कि आप सीधे जो आप पहले साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट उसी पे कार लोगे? आप तो कहोगे कि सर मुझे जो आज का रेट चल रहा है उस हिसाब से कार चाहिए, मतलब 50 लाख रुपीस में चल रहा है तो मुझे वो कार चाहिए, तो आज का रेट 50 लाख रुपीस है और मैंने 10 लाख रुपीस प्रीमियम पे करा था, तो आप कहोगे कि सर मुझे 40 लाख रुपीस में कार चाहिए। बट जो आपका सामने वाला जो डीलर रहेगा वो कहेगा कि सर आप 10 लाख रुपीस भूल जाओ, वो 10 लाख रुपीस भूल जाओ क्योंकि आपने वो प्रीमियम पे कर दिया, तो आप फिर भी कार लोगे 50 लाख रुपीस में, ठीक है, आपका लॉस कितना है 10 लाख रुपीस का। बट अगर आप उस टाइम के हिसाब से कार लोगे तो आप खुद गिनो 50 लाख रुपीस की कार है, आपने 10 लाख रुपीस पहले प्रीमियम पे किए हैं और 80 लाख रुपीस में अगर कार लोगे तो आपको कितना लॉस होगा 50, 60, 70, ठीक है, आप 30 या 20 लाख रुपीस के आसपास आपका लॉस होगा। तो आप तो इसी टाइम के हिसाब से लोगे ना, तो आप कितने भी लोगे आप 60 लाख रुपीस में वो कार परचेस कर लोगे, आपका लॉस क्या है 10 लाख रुपीस, बट आपका फ़ायदा भी तो हो गया, आपका जो आपने प्रीमियम पे किया था उस हिसाब से आपका मनी नहीं गया, ठीक है, सिर्फ आपका प्रीमियम जो था वही पैसा गया, फालतू वेस्टेज नहीं हुआ। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि पैसे आने की कोई लिमिट नहीं है बट जाने की लिमिट है, हमने जो प्रीमियम पे किया वही सिर्फ हमारा लॉस है बट जो आने की लिमिट है वो कोई नहीं है, ठीक है, आने की लिमिट ही लिमिट है, मतलब कोई लिमिट नहीं। इससे आपने 10 लाख रुपीस प्रीमियम पे किया, अगर आप सोचो वही गाड़ी 80 लाख रुपीस की गाड़ी नेक्स्ट मंथ 1 करोड़ के लगभग चले जाती तो आपको तो 20 लाख रुपीस का प्रॉफिट था। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये लॉजिक पे आपको ट्रेड करना है, कोई सा बड़ा फंडा नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया। अब ये सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, आज मैंने आपको शेयर मार्केट का इंट्रोडक्शन करवा दिया है, ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिकली कि मार्केट में ट्रेड कैसे करें, ऑप्शन कैसे बाय करें, ऑप्शन सेल कैसे करें, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय, ठीक है।